हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान और आप सबको मेरी नमस्ते। आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे बर्फ़ी। आपने बर्फ़ी तो खाई होंगी, बेसन की बर्फ़ी, मावे की बर्फ़ी, नारियल की बर्फ़ी और भी समथिंग कुछ कुछ बर्फ़ी खाई होंगी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ चीनी की बर्फ़ी और आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाने के लिए मैंने 2 बड़े नारियल लिए हैं, थोड़ा इलायची पाउडर लिया है, ये बादाम लिए हैं, ये काजू लिए हैं और ये थोड़े से तिल लिए हैं और 1 किलो चीनी ली है। इनको मैं क्रश करूंगी मिक्सी में, काजू बादाम को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इनको तिल को थोड़ा सा भून लेंगे। ये हमने तिल लिए, इनको भून लेते हैं। ये हमने भून लिए हैं, अब हम इसको इसमें पलटेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे। ये देखिए चीनी हमारी सारी घुल गई है। अभी इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे। अब ये देखिए, ये एक तार की चाशनी बन गई है। ये देखिए एक तार की चाशनी हो गई है, एक तार खींच रहा है। अब हम इसमें नारियल डालेंगे। ये मैंने सूखा नारियल ग्राइंड कर लिया था और ये तिल भी डाल देंगे, काजू भी डाल देंगे और ये बादाम भी डाल देंगे। अब इसको हम पकाएंगे। देखिए अभी हम इस ट्रे में जो है ट्रांसफर कर लेंगे इसको। अब हम इसको जो है सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारी बर्फ़ी जम गई है और अब हम इसको काटेंगे। ये देखिए अब हम इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ड्राई फ्रूट और चीनी की बर्फ़ी जमी है। दूसरा पीस निकालेंगे। ये देखिए ऐसे करके मैं सारे पीस निकालूंगी।
ये देखिए हमने सारे पीसेस काट लिए हैं और प्लेट में रख लिए हैं, और ये हमारी बहुत ही बढ़िया और अच्छी मिठाई तैयार हुई है। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और जब हमारा मीठा खाने के लिए दिल करे और घर में मिठाई ना हो तो चीनी और ड्राई फ्रूट तो घर में होते ही हैं, बस झटपट से चीनी की बर्फ़ी और ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी बनाइए और खाइए, मीठे का आनंद उठाइए। ओके बाय, आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।